नमस्कार बच्चों बच्चों, आज हम लोग एक नए रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस रोग का नाम है एलिफेंटियासिस या हाथी पांव या फाइलेरिया रोग। यह एक कृमि जनित रोग है, अर्थात एक कृमि द्वारा उत्पन्न होता है या फैलता है। इस कृमि का नाम है फाइलेरिया कृमि। यह कृमि फाइलम निमेटोडा का सदस्य है और मनुष्यों के शरीर में आंतरिक परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह मनुष्यों के शरीर की लसिका वाहिनियों तथा लसिका ग्रंथियों में पाया जाता है। इस कृमि का जैविक नाम ब्यूचेरिया ब्रंकोप्टाई है। यह कृमि अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह एक कृमि एकलिंगी होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। मादा नर से आकार में बड़ी होती है। ये फाइलेरिया कृमि का चित्र है, जिसमें नर तथा मादा कृमि को अलग अलग दर्शाया गया है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस रोग का ट्रांसमिशन या संचरण अर्थात फैलाव किस प्रकार से होता है। बच्चों, यह कृमि एक द्विपोषदीय परजीवी है, अर्थात डाइजेंटिक पैरासाइट है। यह अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल दो पोषदों में पूरा करता है। मनुष्य इसका प्राथमिक पोषद या प्राइमरी होस्ट होता है। यहाँ पर मनुष्य के शरीर में वह अपने जीवन चक्र की लैंगिक अवस्था को पूर्ण करता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर, जो इसका द्वितीय पोषद या सेकेंडरी होस्ट होती है, उसमें यह कृमि अपनी लार्वा प्रावस्था को पूर्ण करता है। मनुष्य का रक्त चूसते समय माइक्रोफाइलरी लार्वा रक्त के साथ मादा मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जहां मादा मच्छर के शरीर में पहुंचने के पश्चात यह माइक्रोफाइलरी लार्वा जो है उसका विभिन्न प्रकार के लार्वाओं में रूपांतरण होता है और विभिन्न प्रकार के लार्वाओं में रूपांतरण के पश्चात अंत में एक तृतीयक लार्वा का निर्माण होता है, जो मादा क्यूलेक्स मच्छर के चलकर में मादा क्यूलेक्स मच्छर के मुखांगों में पहुंच जाता है। मच्छर के काटते समय लार के साथ यह मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ये फाइलेरिया कृमि की जीवन चक्र है। इसके जीवन चक्र की दो प्रवस्थाएं हैं, एडल्ट स्टेज और लार्वा स्टेज। एडल्ट स्टेज जो है मनुष्यों या वयस्क प्रवस्था मनुष्यों में होती है और लार्वा स्टेज या लार्वा प्रवस्था मच्छरों में होती है। मनुष्यों के लसिका वाहिनियों में नर और मादा फाइलेरिया कृमि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप निषेचित अंडे उत्पन्न करते हैं। यह निषेचित अंडे आगे चलकर माइक्रोफाइलेरी लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये माइक्रोफाइलेरी लार्वा लसिका वाहिनियों से रक्त वाहिनियों में आ जाते हैं। जब मादा क्यूलेक्स मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो रक्त के साथ साथ इन माइक्रोफाइलरी लार्वा को भी अपने शरीर के भीतर ग्रहण कर लेती है। माइक्रोफाइलरी लार्वा का आगे चलकर विभिन्न प्रकार के लार्वाओं में रूपांतरण होता है और सबसे अंत में तृतीयक लार्वा या थर्ड स्टेज लार्वा का निर्माण होता है। यह थर्ड स्टेज लार्वा चलकर मादा क्यूलेक्स मच्छर के मुखांगों में पहुंच जाते हैं, जहां से यह मादा क्यूलेक्स मच्छर जब किसी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसके लार के साथ यह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के पश्चात स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में नर और मादा वयस्क फाइलेरिया कृमि में परिवर्तित हो जाते हैं।
आइए अब हम लोग जानते हैं इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं। यकृत, प्लीहा, अस्तनों, अंडकोशों, जननांगों, हाथ पैरों में सूजन आ जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इन अंगों के आकार में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अंगों की त्वचा मोटी और सख्त खुरदरी हो जाती है। पैर अस्थायी रूप से अत्यधिक मोटे और हाथी के पांव के समान हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। पैरों में भारीपन आ जाता है, दर्द रहता है, चलने में असुविधा होती है। इस रोग का सामाजिक प्रभाव भी होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति विकृत शारीरिक बनावट के कारण समाज से अलग थलग महसूस करने लगता है। उसमें हीन भावना आ जाती है, वह कुंठित हो जाता है, किसी भी कार्य करने में अक्षम महसूस करने लगता है, जनन क्रिया में अक्षम हो जाता है। अविवाहित रोगी स्त्री का विवाह इतनी सुगमता से नहीं हो पाता है। आइए हम जानते हैं इस रोग का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो इस रोग के परीक्षण के लिए संक्रमित व्यक्ति के रक्त की जांच की जाती है। संक्रमित व्यक्ति के रक्त के नमूने में यह पता लगाया जाता है कि उसमें माइक्रोफाइलेरी लार्वा उपस्थित है कि नहीं। अगर माइक्रोफाइलेरी लार्वा उस व्यक्ति के रक्त नमूने में उपस्थित है तो वह व्यक्ति फाइलेरिया रोग से पीड़ित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रक्त के नमूने रात में लिए जाते हैं, क्योंकि माइक्रोफाइलेरी लार्वा रात्रि के समय त्वचा के समीप की रुधिरवाहिनियों में आते हैं। दिन के समय यह रुधिरवाहिनियों में उपस्थित नहीं रहते हैं, अर्थात यह नॉक्टर्नल पीरियडिसिटी दर्शाते हैं। प्रिवेंशन या रोकथाम या बचाव, इस रोग से बचने के लिए मच्छरों तथा उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी और मच्छर रोधी क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। इस रोग का कोई अस्थायी उपचार नहीं है, अतः बचाव ही उपाय है। फिर भी एंटीफाइलेरियल ड्रग DEC डाइएथिल कार्बामेथिन एल्बेंडाजोल के साथ साल भर में एक बार प्रयोग करने से फाइलेरिया क्रीम के लार्वा नष्ट हो जाते हैं। लंबी अवधि तक इन औषधियों का प्रयोग करने से वयस्क फाइलेरिया क्रीम भी नष्ट हो जाते हैं। रोग से प्रभावित अंगों की त्वचा को दिन में दो बार धुलना चाहिए तथा उस पर कैंसर रोधी क्रीम लगाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को एक निश्चित तिथि पर एंटी फाइलेरियल ड्रग दी जाती है और लोगों को जागरूक किया जाता है।